तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं, आज हमारा ये पास ये ओप्पो का मोबाइल फोन है। सबसे पहले ओप्पो का A96 मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम है कि इस मोबाइल फोन को रीसेट कर दिया गया है। रीसेट करने के बाद इस मोबाइल फोन में FRP लॉक लगाएं। अच्छा, अब जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं और सारे मोबाइल फोन को अगर आप रीसेट कर देते हो तो रीसेट करने के बाद उसमें से कौन सा लॉक लग जाता है, मतलब उसमें FRP लॉक लग जाता है, तो उस FRP लॉक को उसको कैसे तोड़ेंगे? वो बाईपास करते हैं तो बाईपास नहीं भी होता, क्योंकि हमारे इस मोबाइल फोन के अंदर 12, 13, 14 अब नई सिक्योरिटी आ गई है। तो नई सिक्योरिटी को अगर आप YouTube में वीडियो देख करके बाईपास करेंगे तो दिक्कत होती है। इसको हम लोग बोलते हैं हेलो स्क्रीन। क्या बोलते हैं? हेलो स्क्रीन। अब आप हेलो स्क्रीन में आगे जाएंगे, इंग्लिश करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऐसे हम लोग नेट से कनेक्ट होंगे। वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद वो आगे जीमेल के प्रोसेस पे पहुंच सकेगा मोबाइल फोन। अब जितने भी नए मोबाइल फोन आ रहे हैं उस मोबाइल फोन को अगर आप फॉर्मेट करते हो तो फॉर्मेट करते समय वो पासवर्ड खुद ही जनरेट कर देते हैं कि इसमें से 12, 13, 14, 27, 26, 75 ये नंबर डालो। जैसे नंबर डालोगे तो मोबाइल फोन वाइप डाटा हो जाएगा, पूरा फोन फॉर्मेट हो जाएगा, बंद होकर के दोबारा चालू होगा। लेकिन बंद होगा जब दोबारा चालू होगा तो फिर वो पासवर्ड मांगेगा, और जब पासवर्ड नहीं पता तो आप आगे करेंगे, तो आगे करने के बाद वो फिर जीमेल अकाउंट मांगेगा। ऐसे ऐसे ये चेकिंग इन्फॉर्म, देखो पासवर्ड मांग रहा है। मान लिया पासवर्ड हमको नहीं पता, तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन भी आता है। जब पासवर्ड नहीं पता तो जीमेल अकाउंट मांगेगा भाई, दोनों स्टेप मांगेगा। अगर आपको पासवर्ड पता है पासवर्ड डाल देंगे तो फिर आगे जीमेल अकाउंट पे स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए जीमेल अकाउंट मांग रहा है, थोड़ा पास में दिखाइए सर सभी लोगों को। अब इसे जो जीमेल अकाउंट मांगता है, इस जीमेल अकाउंट को ही हम लोग FRP लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FRP लॉक। अब ये मेरे पास मोबाइल फोन आया है, इसमें से FRP लॉक है, तो सबसे पहली बात इस मोबाइल फोन को हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन को बंद करेंगे। क्या किया? स्विच ऑफ किया। मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ करने के बाद, स्विच ऑफ करने के बाद इस मोबाइल फोन के अंदर पीछे इसका मॉडल लिखा होता है। जैसे अगर आप उसमें देखेंगे, इसमें लिखा होता है CPH 2333। क्या लिखा है? CPH 2333। हम बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहे हैं ताकि आप सब, आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को आप पहचान सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल में टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना है CPH 2333 आगे JSM Arena। जैसे CPH 2333 लिख करके JSM Arena में सर्च करेंगे तो ये बोलेगा A96 मोबाइल फोन है। कौन सा मोबाइल फोन है? A96 A96 ये लिख करके आ रहा है। जब A96 मोबाइल फोन लिख करके आएगा तो आपको क्या करना है, इसी A96 मोबाइल फोन को ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते ही स्क्रीन में यहाँ पर सारे सारी चीजें लिख के आएंगे। अगर आप इसको ऊपर करके देखेंगे तो आप देखेंगे इसका प्लेटफॉर्म, इसमें लिखा है क्वालिकॉम। क्या लिखा है? CPU क्वालिकॉम, यू फर्स्ट चिप लगी है क्वालिकॉम CPU एंड्रॉइड 11 12, मतलब 11 सिक्योरिटी है इसमें। तो हमने ये पता चल गया कि क्वालिकॉम मोबाइल फोन है, ठीक है। अब इस मोबाइल फोन का लॉक तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात अपना सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा। हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया, ये हमारा अनलॉक टूल है, इस अनलॉक टूल को ओपन किया। अनलॉक टूल ओपन करने के बाद अगर आप इसमें देखेंगे MI का है, सैमसंग का है, हवाई का, ऐसे बहुत सारे मोबाइल फोन आता है। तो हम लोग पहले ओप्पो में जाएंगे। ओप्पो में जाने के बाद हमने यहाँ पर सर्च करेंगे A96। जैसे A96 सर्च करेंगे तो यहाँ पर A96 लिख जाएगा। A96 ले लिया हमने। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में इसलिए जाना है ताकि आपको मोबाइल फोन को कनेक्ट कराना है। तो सबसे पहली बात फोन को हमने स्विच ऑफ कर दिया। फोन को स्विच ऑफ करने के बाद, ये क्वालिकॉम CPU का मोबाइल फोन है, ये दो तरीके से कनेक्ट होता है, या तो प्लस माइनस डाटा केबल से कनेक्ट होगा या तो EDL से कनेक्ट होगा। अगर प्लस माइनस से कनेक्ट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों बटन को शॉर्ट करिए, डाटा केबल लगाइए। अगर नहीं होता तो फिर फोन खोलिए, फिर EDL से कनेक्ट कराइए। तो पहले तो हम लोग बिना खोलने वाला मेथड करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग फोन खोलने वाला मेथड करेंगे। हमने क्या किया, इसके प्लस माइनस दोनों बटन दबाए। प्लस माइनस दोनों बटन दबाने के बाद हमने डाटा केबल लगाया। देखिए प्लस माइनस दोनों बटन दबाया,
डाटा केबल लगाए। जैसे डाटा केबल लगेंगे तो यहां पर फोन कनेक्ट होगा। देखिए यहां पर पोर्ट बन के आएगा, ये पोर्ट में क्लिक करेंगे, लिखा है क्वालिकॉम एचएस क्यू लोडर कॉम 4 कनेक्ट हो गया। जब फोन कनेक्ट हो गया तो आप अपने सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे। यहां पर भी देखिए यहां पर फोन कनेक्टिविटी आ रही है, फोन डिस्कनेक्ट हुआ। खिल गया, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं फिर से दोबारा इसको कनेक्ट कराता हूं। इस फोन को हम लोग स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ नहीं, पावर हमने फोन को बंद किया, प्लस माइनस बटन दबाया। प्लस माइनस बटन दबाने के बाद मैं डाटा केबल फिर से लगाया, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आपको क्या कर देना है, इरेज एफ आर पी। जैसे इरेज एफ आर पी करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा। ओप्पो A96 CPH23 ओके, रिसीव रिसीव कनेक्टिंग डिवाइस फेल्ड, मॉडल कनेक्टिंग द फेल्ड प्रोग्राम नेट फोन, मतलब इसने इस प्रोग्राम को नहीं लिया, छोड़ दिया। फिर से हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे। यहां पर कनेक्टिंग में फेल हो गया, ट्राइंग द कनेक्टिंग द फाइल और कनेक्टिंग द फ्लैश प्रोग्रामर फेल। अगर ये प्रोग्रामर हमारा फेल हो गया है, हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद बंद करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ड्राइवर वगैरह सारा सब कुछ एक बार दोबारा इंस्टॉल किया है, तो वहां पर ड्राइवर हमारा एक बार क्या करने को बोलता है, बंद करने को बोलता है सिस्टम को। क्या बोलता है, बंद कर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को एक बार के लिए शट डाउन करेंगे। क्या करेंगे, शट डाउन का मतलब होता है रीस्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर हमारा बंद होकर के चालू होगा, सारे ड्राइवर हैं वो दोबारा से अपडेट हो जाएंगे।